दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं कि पैसा और शोहरत एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को बदल देती है। दुनिया में नाम, शोहरत, पैसा ये सब हासिल करने के बाद किसी इंसान में घमंड पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ होने के बावजूद वो बेहद ही सादगी से जिंदगी बिताते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाएंगे जिनके पास बेशुमार दौलत है लेकिन बावजूद इसके वो सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना। एपीजे अब्दुल कलाम अपने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के लिए जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को पूरे देश के लोग बहुत ही प्यार करते हैं। इस मिसाइल मैन का दिल इतना बड़ा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो 5 साल तक अपनी पूरी सैलरी को डोनेट कर देते थे। वो ये मानते थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद सरकार तो पूरी जिंदगी इनका ख्याल रखेगी, तो उन्हें सैलरी की जरूरत ही क्या है। इसलिए वो अपनी सैलरी तो लोगों की मदद के लिए दे ही सकते हैं। शायद उनके मन में विचार इसलिए भी आया हो क्योंकि वो खुद एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। कई मुसीबतों का सामना करने के बाद उन्होंने सफलता हासिल की थी। आपको बता दें कि इन्हें सिर्फ इंसानों की मदद में नहीं बल्कि जानवरों की मदद में भी काफी दिलचस्पी थी। इसके अलावा वो पर्यावरण से जुड़ी चीजों में भी अपनी राय लोगों के सामने रखते थे। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल्स लगाने चाहिए ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। लेकिन दुख की बात ये थी कि इस पर वो अमल करें उससे पहले ही उनका टर्म पूरा हो गया। दोस्तों आप ही सोचिए, जो इंसान इसरो में काम कर चुका है और देश का राष्ट्रपति रह चुका हो, उसको आप इतनी सादगी और सरलता से जिंदगी बीतते सोच सकते हैं? शायद किसी ने सच ही कहा है कि दिखावे की दुनिया में लोग दिखाते ही रह गए, जो सादगी से रहे वो आगे निकल गए। रतन टाटा। अगर सादगी से जीने की बात चल रही है तो हम रतन टाटा का नाम इस लिस्ट में शामिल करना कैसे भूल सकते हैं। इनकी सादगी के तो कई नमूने हैं, लेकिन कुछ समय पहले वायरल हुई इनकी ये फोटो और उसके पीछे की कहानी आपके मन में इसके लिए काफी इज्जत बढ़ा देगी। दरअसल इस फोटो में रतन टाटा के साथ जो आदमी मौजूद है वो पहले उन्हीं की कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉई हुआ करता था। रतन टाटा को जब ये बात पता चली कि पिछले कुछ सालों से इस आदमी की तबीयत काफी खराब है, तो इन्होंने दूसरे बिजनेसमैन जैसे फोटोग्राफर्स को ले जाकर चेक देकर कोई पीआर स्टंट नहीं किया बल्कि तुरंत बिना किसी सिक्योरिटी के मुंबई से पुणे इस आदमी के घर उसका हाल चाल पूछने निकल पड़े। जहाँ एक और हमारी और आपकी जैसी कंपनीज में बीमार होने पर भी तरह तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, वही रतन टाटा जैसे बॉस बिना अपने बिजी शेड्यूल की परवाह किए अपने एक बीमार एम्प्लॉई से मिलने चले गए। इतना ही नहीं, ये अपने सारे एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। शायद इसीलिए वो अपने इतने सारे एम्प्लॉयज के नाम जानते हैं। जहाँ कुछ बिजनेसमैन और उनके परिवार अपनी दौलत को शो ऑफ करने में जुटे हुए हैं, वहीं रतन टाटा अपने 66% शेयर्स डोनेट करते हैं और वो अपनी इनकम का 60% हिस्सा भी चैरिटी में दे देते हैं। और तो और, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि दुनिया भर में जब महामारी छाई थी तो उन्होंने तुरंत ही 1500 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने अपने डैड जमशेद जी टाटा की कंपनी ज्वाइन की तो वो भट्टी को साफ करने का काम किया करते थे। खैर दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके डाउन टू अर्थ होने के इतने किस्से हैं कि इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पर एक वीडियो लेकर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। सुंदर पिचाई। दोस्तों सुंदर पिचाई को कौन नहीं जानता है, इनका नाम सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल है। आज चाहे उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी को आज भी नहीं भूले हैं। ये दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सादगी से भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। चेन्नई शहर में जन्मे सुंदर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी एक दिन की कमाई लगभग 5.87 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों, मिडिल क्लास से आने के बाद इतना सब कुछ हासिल करने के बाद पैसों के नशे में डूबना आम बात है, लेकिन सुंदर फिर भी सादगी से जीवन बिताते हैं, ये बेहद ही काबिले तारीफ है। नाना पाटेकर। नाना पाटेकर को कौन नहीं जानता, मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग स्किल्स से सबका दिल जीतने वाले इस इंसान के पास इतनी दौलत है कि एक चुटकी बजाकर अपनी मनचाही चीज खरीद सकता है, लेकिन फिर भी सादगी में विश्वास रखने वाला ये शख्स स्टारडम को छूने के बावजूद आज भी मुंबई के 1 बेडरूम हॉल किचन के घर में अपनी माँ के साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना कि गरीबी से ऊपर आए हुए इंसान को पैसे की सबसे ज्यादा कदर होती है। इनके साथ भी यही हाल है। आज जो इंसान एक एंडोर्समेंट से करोड़ों रुपए कमाता है, वो एक टाइम पर इतना गरीब था कि रास्ते पर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का काम करता था और दिन का सिर्फ 35 रुपए कमाता था। आज नाना पाटेकर के पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी शान से बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आप और मुझ जैसी एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं।
वैसे मैं आपको बता दे कि नाना पाटेकर अपनी कमाई का 90% हिस्सा दान करते हैं, है ना कमाल की बात। ये देखकर हम एक ही बात कहेंगे, हम और आप जैसी आम जनता के लिए इतना पैसा दान करना तो मुमकिन नहीं है, फिर भी हमसे जितना हो सके उतना दान हमें समाज के विकास के लिए योगदान देना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अजीम प्रेम जी, अब आखिरी नंबर पर हम बात करते हैं जाने माने बिजनेस टाइकून अजीम प्रेम जी के बारे में। मशहूर कंपनी विप्रो के पूर्व चेयरमैन, हमेशा से ही भारत के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सिंपल लाइफ जीने में वो विश्वास रखते हैं। रतन टाटा की तरह अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशंस के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि अजीम प्रेम जी अपनी नेटवर्थ से 4 गुना ज्यादा संपत्ति अभी तक डोनेट कर चुके हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इनके साल 2020 का डोनेशन लगभग 22,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन था। और सबसे खास बात यह है कि अपनी डोनेशंस का पीआर स्टंट भी बिल्कुल नहीं करते हैं। आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जब भी देश के लोगों पर कुछ मुसीबत आती है तो मदद के लिए बढ़ चढ़ कर ये लोग आगे आते हैं। इससे साबित होता है कि अजीम प्रेम जी ना सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन है बल्कि एक अच्छे इंसान भी। दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसे अरबपति को जानते हैं जो बड़ी सादगी से जीवन व्यतीत करता हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में उनका नाम जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आप लुत्फ उठा सकें।